वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चूज कर पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। आज हम लोग औद्योगिक क्रांति का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र का अध्ययन कर चुके हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र। ठीक है बच्चों, पहले पॉइंट की तरफ हम लोग आते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हैं जनसंख्या वृद्धि, क्या लिखा हुआ है, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, देखिए शहरीकरण औद्योगिक क्रांति हो रही है, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, गांवों से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है, शहरीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, सुदृढ़ हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि शहरों में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जब शहरों में जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो अब वहाँ की आबादी जो है, वहाँ के लोग मताधिकार की मांग कर रहे हैं। किसकी मांग कर रहे हैं, मताधिकार की मांग। स्क्रीन पे देखिए आप, ठीक है, तो वो लोग वोट देने का भी अधिकार मांग रहे हैं, शासन प्रशासन में भागीदारी मांग रहे हैं। समझ गए, इससे पहले क्या था, क्या सभी को भागीदारी मिली थी, जी नहीं। ठीक है, सामंतवादी तथा राजतंत्र जैसे शासन व्यवस्था वहां पर स्थापित थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जनसंख्या वृद्धि जब हुई तो मताधिकार की मांग की जाने लगी और लोग वोट देने का अधिकार मांगने लगे, जिससे वो प्रशासन के क्षेत्र में अपनी भूमिका वो लोग निभा सकें। ठीक है, तो बच्चों अब क्या हुआ कि इंग्लैंड में इससे पहले मताधिकार तो था, लेकिन उसका आधार क्या था, भू संपत्ति था। ठीक है, यानी जिसके पास लैंडेड प्रॉपर्टी, जमीन है, वही वोट देने का अधिकार रखता था। तो भू संपत्ति ही पहले वोट देने का अधिकार माना जाता था। लेकिन शहरों में जब नए मजदूर वर्ग आए तो अपने इस अधिकार के लिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, और 1930 ईस्वी तक इंग्लैंड में सुधार आंदोलन जोर पकड़ने लगा। और बच्चों 1832 ईस्वी में, कब, 1832 ईस्वी में सर्वप्रथम इंग्लैंड में सुधार कानून पारित किए गए, आम जनता को खुश करने के लिए इंग्लैंड में सुधार कानून पारित किए गए, और बाद में यूरोप के अन्य देशों में भी ऐसे ही कानून बनने लगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब आगे अगली पॉइंट पे देखिए, आप देखिए राज्य सरकार की भूमिका, राज्य, यहाँ देखिए राज्य, राज्य और सरकार दो चीजें, ठीक है, इनकी भूमिका में बदलाव आया। क्या आया, इनकी भूमिका में बदलाव आया, समझ गए। अब देखिए आरंभ में पहले क्या था, जहाँ राज्य या सरकार देश की सीमा की सुरक्षा और आंतरिक कानून, समझ रहे हैं, देश की सीमा की सुरक्षा और आंतरिक कानून से ही वास्ता रखती थी, वही उनकी प्रमुख जिम्मेदारी थी, यही सरकार की मुख्य भूमिका या राज्य की मुख्य भूमिका मानी जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ बच्चों, औद्योगिक क्रांति के उपरांत जब समाज नए रूप से विकसित हो रहा है, नए वर्ग समाज में उत्पन्न हो रहे हैं, तब सरकार की भूमिका बदल गई है। अब वो शहरी नगर प्रशासन के प्रति जागरूक हो रहे हैं, मजदूरों की सुरक्षा की बात की जा रही है, उनके हितों के बारे में सोचा जा रहा है, नए आयात निर्यात कानून बन रहे हैं। अर्थात बच्चों, जो पुराना राजवंश था, प्राचीन राजवंशों के राज्य तथा प्रजा संबंधी मान्यताओं में परिवर्तन आया। आई बात समझ में, अब बच्चों राज्य और नागरिक, इन दोनों की भूमिका में बदलाव आया, परिवर्तन आया, और दोनों परस्पर अधिकार, म्यूचुअल जो राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं और कर्तव्य की भावना से जुड़ गए। दोनों परस्पर अधिकार और कर्तव्य की भावना से जुड़ गए, कौन, ये
राज्य और नागरिक, राज्य और नागरिक यानी राज्य मतलब आप सरकार यहां समझ लीजिए और नागरिक मतलब आम जनता, ठीक है। दोनों परस्पर अधिकार और कर्तव्य की भावना से जुड़ गए और नए विचारों ने जन्म लिया। राज्य जनता के कल्याण के उद्देश्य से स्थापित है और उसका स्रोत जनता में निहित है, अर्थात अब शासन संबंधी जो ताकत है, जो सत्ता है, उसका जो स्रोत है, उसकी जो आधारशिला है, वो कहां निहित है? जनता में। किसके अंदर? जनता में निहित है, ठीक है। तो इस तरह से आगे जो सब कुछ बढ़ रहा है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ अग्रसर हो रहा है। अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया स्थापित होने की तरफ अग्रसर हो रही है, समझ गए? इतना तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि राज्य की या सरकार की भूमिका में बदलाव आया, ठीक है। राज्य और नागरिक यानी सरकार और आम जनता दोनों की भूमिका में बदलाव आया और दोनों परस्पर अधिकार और कर्तव्य की भावना से जुड़ गए, समझ गए। अब जो लेबर्स हैं, श्रमिक हैं, वर्कर्स हैं, उनके हितों की रक्षा की बात की जाने लगी है, समझ गए। अब पहले क्या होता था बच्चों? पहले सामंती व्यवस्था जो थी, कुलीन तंत्र था, कुलीन अपने हित की बात करते थे। शासन में कुलीन वर्ग हमेशा ये कोशिश किया कि उसके अधिकार सुरक्षित रहें, लेकिन अब समय बदल गया, परिस्थिति बदल गई है, समझ गए। अब आगे आते हैं समाजवाद लोकहित की बात। देखिए बच्चों, समाजवाद क्या है इसको थोड़ा आप समझिए। देखिए, समाज यानी सोशलिज्म, ठीक है, समाज सोसाइटी आप समझ रहे हैं, जहां अनेक समुदाय, अलग अलग समुदाय के लोग एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, ठीक है, उसे समाज कह रहे हैं। और समाजवाद बच्चों एक ऐसी विचारधारा है जिसमें जो उत्पादन पद्धति है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वो समाज के नियंत्रण में होगा। किसके नियंत्रण में? समाज के नियंत्रण में होगा, ध्यान समझिएगा। उत्पादन पद्धति को किसके अधीन मानी जाएगी? समाज के अधीन मानी जाएगी इस विचारधारा के अंतर्गत, समाजवाद नामक विचारधारा के अंतर्गत। अर्थात जो लाभ मिलेगा किसी भी उत्पादन पद्धति से, जो लाभ मिलेगा वो पूरे समाज में बांटा जाएगा। व्यक्तिगत हित या व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत संपत्ति की जो अवधारणा है यहाँ पर कमजोर हो जाती है, उसे महत्व नहीं दिया जाता है। अर्थात आप व्यक्तिगत लाभ कमाएंगे और सिर्फ अपना भला चाहेंगे, ऐसा इस विचारधारा के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। समाजवाद में पूरे समाज के कल्याण की बात की जाती है, लोक हित की बात की जाती है, और कोई भी उत्पादन इकाई या उत्पादन पद्धति अगर लाभ पहुंचा रही है तो लाभ पूरे समाज में सभी वर्गों में बांटा जाएगा, किसी एक विशेष वर्ग या किसी धनी वर्ग का बोलबाला इस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं रहेगा, समझ गए। तो ये समाजवाद की अवधारणा है। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में और बातें करेंगे, क्योंकि फिर हम लोग प्रारंभिक समाजवादी और कार्ल मार्क्स के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति के का जो प्रभाव हम राजनीतिक क्षेत्र में देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे समाजवाद नामक विचारधारा अब और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है, इसकी वकालत करने वाले बहुत से लोग अब आ गए हैं, ठीक है। अब अगली टॉपिक देखिए, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद जैसी प्रक्रिया का मजबूत होना, ठीक है। फिलहाल आप अब उपनिवेशवाद क्या था देख लीजिए, साम्राज्यवाद क्या था देखिए बच्चों, आप फिलहाल दोनों विचारधाराओं को देखिए, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है, अंतर है, मूलभूत अंतर है, ठीक है। लेकिन आप अभी फिलहाल दोनों शब्दों को एक ही मानिए, ठीक है, फिलहाल के लिए, और अगले क्लास में मैं इसको और डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। एक क्लास पूरा उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के ही ऊपर रहेगा। देखिए बच्चों, औद्योगिक क्रांति के उपरांत क्या हुआ कि
जब नए नए मशीनें लगी, नए नए उद्योग धंधे लगे, तो उत्पादन बढ़ गया, सामानों का उत्पादन बढ़ गया, वस्तुओं का उत्पादन बढ़ गया। अब वस्तुओं का उत्पादन जब बढ़ गया तो उसको वस्तुओं को बेचने के लिए क्या चाहिए? बाजार चाहिए। घरेलू बाजार अब पट चुके हैं, वहाँ अपने लिमिट तक पहुँच गए हैं, लेकिन अब नए नए बाजारों की आवश्यकता थी। तो अब क्या हुआ बच्चों, नए नए भौगोलिक खोज हो रहे हैं इसी दौरान, और नए नए जो इलाके खोजे जा रहे हैं, धीरे धीरे वहां पर व्यापार, उनके साथ व्यापार किया जा रहा है, और व्यापार करने के साथ साथ वहां पर राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित कर लिया जा रहा है। और ये राजनीतिक नियंत्रण किस उद्देश्य से किया जा रहा है? आर्थिक लाभ कमाने के लिए, ठीक है। इसी प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। और जब ये प्रक्रिया पूरी तरह चल रही है तो एक राज्य अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है, इसी प्रक्रिया को फिर साम्राज्यवाद भी कहते हैं, ठीक है। फिलहाल आप इतना ही समझ के रखिए, और नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा इसको डिटेल में जाएंगे, किस प्रकार से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद जैसी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। बच्चों जैसे भारत है, भारत क्या था? भारत अंग्रेजों का एक उपनिवेश बन चुका था, ठीक है, हमें गुलाम बना लिया गया था। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे राजनीतिक सत्ता सत्ता स्थापित कर ली। तो सत्ता स्थापित की तो हमारे भले के लिए नहीं किए थे, या वो हमारी भलाई नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि उनका मूल उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना था, ठीक है। तो यही प्रक्रिया क्या थी? उपनिवेशवाद की प्रक्रिया थी। अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, तमाम देश जो है उपनिवेशवाद की गिरफ्त में आ चुके थे, ठीक है। तो ये आज का क्लास रहा, और औद्योगिक क्रांति का प्रभाव समाप्त हो चुका है। हम लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र तीनों का अध्ययन कर चुके हैं, और अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। आज बार इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़िया से समझ लीजिए, नोट बना लीजिएगा, इसका वीडियो है, दो तीन बार देखिए, ये आपके लिए ही लाभप्रद रहेगा। धन्यवाद।